हेलो फ्रेंड्स वेलकम वेलकम टू माय चैनल बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल के बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ मेन के एथ एपिसोड में उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी देखो यार यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया है जई मेन 2014 का क्वेश्चन है केमिस्ट्री का एक दो तो, तीन चार और पांच क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ले लिया है तो देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सी एस सी एल क्रिस्टलाइजर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस तो यहाँ पर जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होता है तो ये कुछ इस तरीके का होता है और यहाँ पर ये जो सी एस सी एल है इसमें जो सी एस है वो यहाँ पर सेंटर में रहता है बॉडी में रहता है और जो सी एल के आयन्स है वो कोने कोने में कोने कोने में रहते हैं ठीक है तो यहाँ पर बीच में रहता है सी एस प्लस और बाहर में रहता है सीएल माइनस वगैरह वगैरह अब यहां पर हम लोग को रिलेशन निकालना है आर सी एस प्लस प्लस आर सी एल माइनस का तो यहां पर हम लोग किसी भी एक डायगनल को अगर कंसिडर कर लेंगे तो ये जो होते हैं डायग्राम में हालांकि समझ में नहीं आ रहा होगा बट ये तीनों के तीनों एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं ये और ये जो हो गया बॉडी के सेंटर पे जो है और ये ये सारे के सारे एक लाइन में ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे से ठीक है तो यहां पर जो डायगनल निकल के आता है वो कितना निकल के आता है भैया रूट थ्री टाइम्स एज लेंथ ठीक है वेक्टर अगर आप लगाओगे एक्स का लेंथ ए वाई का लेंथ ए जेड का लेंथ ए तो रूट ऑफ ऑफ ए स्क्र प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्र आपको निकल के आ जाएगा रूट थ्री टाइम्स ए इसको जब आप इक्वेट करोगे आपके पास में क्या है सेंटर पर क्या है सी एस प्लस है तो इस इसपे क्या है एक आर एक आर डायमीटर के बराबर लेंथ है तो ये कितना हो जाएगा टू आर टाइम्स सी एस प्लस ठीक ट्वाइस ऑफ आर सी एस प्लस प्लस एक माइनस का रेडियस यहां पर है है ठीक और आधा बाहर है मतलब आधा सीएल करेंगे और रेडियस को कंसिडर करेंगे और यहां पर डायमीटर मतलब कि ट्वाइस ऑफ रेडियस कंसिडर करेंगे. मतलब करेंगे तो यहां पर निकल के आ जाएगा टू आर ऑफ सीएल माइनस ठीक है इसको और इसको जब टोटल लेंथ को ऐड करेंगे मतलब ये बेसिकली टोटल जब हम लोग ऐड किए यहां से लेकर यहां तक इसका एक आर आया इसका एक आर आया इसका रिलेशन आर सी एस प्लस माइनस टू रूट थ्री बाई टू ए अब यहां पर जो दूसरा क्वेश्चन है वो निकल के आता है केपी कल्स टू के सी इंटू आर टी टू द पॉवर डेल्टा एन जी मैंने इस पर वीडियो बनाया था कि जो एक्स होता है वो निकल के आता है डेल्टा एन जी के पी कल्स टू के सी इंटू आर टी टू दावर डेल्टा एनजी डेल्टा एनजी क्या है प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ कितना है, one है, है? और reactant में कितना हो गया थ्री बाई टू है ठीक मतलब है, है तो इन दोनों को जब माइनस कर देंगे तो यहां से हम लोग निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ वन बाई टू तो यहां पर जो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वो निकल के आ जाएगा माइनस ऑफ वन बाई टू इस तरीके से यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एनो NO के लिए कह रहा है नॉट शोन कह रहा है और यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलिंग प्रॉपर्टी इज नॉट शोन बाई एनो ठीक है तो एनओ मैं आपको बता दूं एनओ जो होता है वो गैसिय स्टेट में एनओ के फॉर्म में रहता है लेकिन जब वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है तो वो ट्वाइस ऑफ एनओ मतलब दो मॉलिक्यूल बन जाते हैं एक साथ रहते हैं रीजन क्या होता है एनओ जब गैसियस स्टेट में रहता है तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर निकल के आता है वो निकल के आता है पहले तो इसका एटोमिक नंबर काउंट करो एन के लिए हो जाता है सात और ऑक्सीजन के लिए हो जाता है आठ तो निकल के आ जाता है पंद्रह और पंद्रह के लिए मैंने बताया कि पहला बात तो ये एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें होगा क्योंकि एक और इलेक्ट्रॉन सिस्टम है मैंने वीडियो में बताया था ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर होता है तो ये पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आता है तो गैसियस स्टेट में NO मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होगा डायमैग्नेटिक नहीं होगा क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन सिस्टम है बाकी आप एमओटी वगैरह लगा के भी देख सकती हूं तो यहां पर जो ये है ऑप्शन ए यहां पर सही आंसर है क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है नॉट शो करता है अब यहां पर जो मैं बात बता रहा था न्यूट्रल ऑक्साइड तो ये है ही है कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तो सही है और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो टू निकल के आता है क्योंकि जो फिफ्टीन होता है मैंने बताया था कि फोर्टीन के अबाउट सिमेट्रिक होता है तो फोर्टीन के लिए थ्री होता है फिफ्टीन के लिए टू पॉइंट के लिए टू ऐसे करके ऊपर नीचे चलता रहता है उसी तरीके से 14 से जब 13 में जाओगे तो 2.5 12 में जाओगे तो 2 इस तरीके से तो ये मैंने बताया था बॉन्डर का ट्रिक और यहाँ पर डाय मैग्नेटिक नहीं होगा क्योंकि ये एनो जो है ये 15 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक की कैटेगरी में आता है गैसे स्टेट में और जब लिक्विड स्टेट की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इसमें रह जाएगा दो मॉलिक्यूल आपस में कपल बना लेते हैं और दो मॉलिक्यूल एक साथ में एग्जिस्ट करते हैं तब वो डाय मैग्नेटिक निकल के आ जाता है अब यहाँ पर जो चौदह क्वेश्चन है वो निकल के आता है भैया ऑन हीटिंग एंड एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन एक प्राइमरी अमाइन है एलिफेटिक विद क्लोरोफॉर्म एंड इथेनॉिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म इज तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा मैंने एक वीडियो बनाया था ट्रिक्स एंड में कार्बिल रिएक्शन के ऊपर ठीक है अगर आप लोग ध्यान से नहीं देख रहे हो तो आपकी गलती है। अगर आप लोग देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि जो आंसर है है वो निकल के आता अल्काइल क्या हुआ था रिएक्शन में मैं लिख नहीं रहा हूं बोल दे रहा हूं आर एन एस टू था प्लस क्लोरोफॉर्म था सी एच सीएल थ्री सी एल के जगह में हम लोग कोई और हेलोजन भी यूज कर सकते हैं सीएल थ्री यूज करते हैं तो क्लोरीन यूज करते हैं उसको बोलते क्लोरोफॉर्म और फिर इसके प्रेजेंस में इथेलिक पोटेशियम के प्रेजेंस में जो कंपाउंड बनता है वो निकल के आता है अल्काइल आइसोसाइड मतलब की साइनाइड होता है CN, NC होता है, आइसोसाइनाइड लास्ट क्वेश्चन वो निकल के आता है भैया, रीजन फॉर दर्जन ऑफ आरसीएच टू ओ एच गिव आर सी एच ओ तो इसको देखो यार ये एल्कोहल है ठीक है और ये क्या है एक एल्डिहाइड है अब सोचो यार एल्कोहल को अगर कन्वर्ट करना हम लोग को एल्डिहाइड में कार्बोक्सिलिक एसिड वगैरह वगैरह में तो हम लोग को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जरूरत पड़ता है ठीक है अब होता क्या है जो के है एन ओ है सीआर है ये सब ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो क्या होता है एल्कोहल को जब हम लोग इसके साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं बनता है सीधा रिएक्शन आगे बढ़ जाता है और आगे बढ़ के बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड ठीक है बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है लेकिन यहाँ पर जो पीसीसी है पेडीनियम क्लोरोक्रोमेट ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण ये अल्कोहल को डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड तक लेके नहीं जाता है ये जो रिएक्शन को थोड़ा सा लेके जाता है एल तक जाके रोक देता है इस तरीके से हम लोग इन पांचों क्वेश्चन को यहां पर सॉल्व करते हैं बाकी तो बस यही बात है आई होप आपको वीडियो पसंद आए होगी आपने से कुछ सीखा और आपने कुछ सीखा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भूलना शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद है वीडियो देखने के लिए बने रहिए।